हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू एम एजुकेशन। बच्चों, हमारा करंट टॉपिक है वो है रेजोनेंस, ठीक है। एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंडीशंस अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। एंड द मोलेक्यूल विच शो द रेजोनेंस इफेक्ट, इट शुड बी कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब वो कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए तो ही वो मोलेक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। मगर ये टॉपिक के बारे में मुझे कई बच्चों के मैसेजेस या तो कॉल आए हैं कि सर वो कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, वो कंजुगेशन किसके बीच में होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड के बीच में ही कंजुगेटेड होना चाहिए या नहीं। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिकम वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली, राइट। तो आज हम वही टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए तो कंजुगेशन में कौन कौन होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, जो हमने कल देखा, अगले लेक्चर में देखा था, ठीक है। वही जो पॉइंट है वो मैं वापस एक बार दोहराता हूँ। ऑल एटम्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट, इट शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। एंड मोलेक्यूल शुड हैव कंजुगेटेड सिस्टम, बट दैट इज द डाउट, कंजुगेटेड सिस्टम में कौन होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट, कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, कंजुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड। अगर कोई मोलिक्यूल में डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम में, इट मीन्स इफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ कंजुगेशन, देन इट विल शो द रेजोनेंस इफेक्ट। सो लेट्स वी डिस्कस दैट टॉपिक, लेट्स वी डिस्कस दैट एग्जांपल, ठीक है। कंजुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड्स, सो यू कैन सी दिस इज द ब्यूटाडाइन, इट इज अ न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल मोलिक्यूल, बट विच कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट। हाउ, इसके बारे में हमने अगले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वापस ये एग्जाम्पल हम देख लेते, ठीक है। ऑल ऑफ दिस एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, सो यू कैन सी हियर ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस शुड sp और sp2 हाइब्रिडाइज, राइट। सो ऑल ऑफ दिस एटम्स आर sp2 हाइब्रिड, एंड हियर यू कैन सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इट मीन्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कंजुगेशन। सो दिस sp2 हाइब्रिड कार्बन विल अट्रैक्ट दिस पाई बॉन्ड एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। सो CH2 डबल बोन, CH सिंगल बोन, CH प्लस एंड CH2 माइनस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बाद में मैं निकाल दूंगा, मगर अब समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ दिस पाई बोन बाई दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज एंड दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। नाउ due to the positive charge on this carbon will attract this pi bond toward itself and this carbon will become positively charged species, and we can see the final resonating structure. Due to the attraction of this pi bond or delocalization of pi bond on this carbon will become negatively charged, and this pi bond will delocalize between these two carbons and this carbon will experience positive charge and we will get the final resonating structure. CH2 here form positive charge, single bond CH, double bond CH, single bond CH2 minus charge, right? So this is the resonating structure of butadiene, resonating structure 1 and resonating structure 2, ready? But the second resonating structure is interconverting into resonating structure 1 by the resonance और बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज वापस पाई बॉन्ड को फॉर्म करेगा, ठीक है। सो ये दोनों स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, ये दोनों हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके, ब्यूटाडाइन के, ब्यूटा 1,3-diene, ठीक है। सो इफ द मोलेक्यूल विच हैज डबल बॉन्ड इन अ कंजुगेशन, देन इट विल शो द रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट वन, अगर डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों कॉन्जुगेशन में है, इफ डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेशन इन दैट स्पेसिफिक आयन और मोलिक्यूल, देन इट कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कॉन्जुगेशन में देख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल एंड पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑल ऑफ दिस स्पीसीज विल बिकम sp2 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहां पे देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन, इट मींस कंजुगेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड चार्ज एंड डबल बॉन्ड, देन इट कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट। आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो।
So now, due to the positive charge, this carbon becomes more electronegative. And here, adjacent carbon has pi bond. So this pi bond is delocalized between these two carbons, and this carbon will experience positive charge. So due to the delocalization of pi electron, we'll get the resonating structure CH2 single bond CH double bond CH2 plus charge. Ready? और ये वाला वापिस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर. इट इज अ एलाइलिक कार्बोकेटायन. नेक्स्ट वन, इफ अ लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ कंजुगेशन, इट मींस कंजुगेशन बिटवीन लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड. लोन पेयर इट मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर. And due to extra electron pair, more electronegative species can attract easily that lone pair from the species. So you can see here, this carbon is sp2 hybridized carbon, and this is also sp2 hybrid carbon. Both are electronegative, but here in NH2 amino functional group has extra electron pair, lone pair. And due to extra electron pair, more electron density is present on nitrogen of amino group. So this sp2 hybrid carbon act as a more electronegative species, and due to unsaturation, this sp2 hybrid carbon will attract this extra lone pair and form pi bond between this carbon and nitrogen. And due to donation of the pi electron, donation of lone pair, this nitrogen will experience positive charge, and we will get the intermediate structure double bond NH2 plus. But due to the formation of plus charge and due to the formation of pi electron on the carbon, this carbon will got the 5 valencies, and due to extra 5th valency, due to extra electrons of pi bond, this carbon get the negative charge. And to remove the negative charge, here you can see this carbon is also sp2 hybrid, more electronegative, and this carbon has negative charge, so it can donate electron pair easily. So this pi bond further delocalize on this carbon, and this carbon will get the negative charge. So we get the final resonating structure is ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहां पे आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों कंजुगेशन में है. तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, नया पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाएगा एडजेसेंट कार्बन पे, और वहां पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा. ठीक है, सो दिस CH2 विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, और यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, so this is the resonating structures of each other. Now further, this sp2 hybrid carbon, yahan pe sp2 hi hoga, so this sp2 hybrid carbon will attract this electron pair, extra electron pair, and form pi bond, and this pi bond is delocalized on nitrogen and form structure 1. So both of these structures are resonating structures of each other. Agar lone pair एंड डबल बॉन्ड दोनों कंजुगेशन में है, तो भी रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, एक्स्ट्रा इफ द कंजुगेशन बिटवीन ओड इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड, ओड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड सॉरी कंजुगेशन इज प्रेजेंट बिटवीन सिंगल, इट मींस ओड इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड, देन इट कैन ऑल्सो शो द रेजोनेंस इफेक्ट. हाउ? Similarly, this carbon sp2 also, this carbon is acted as sp2 hybrid, like carbocation. Ready? So यहाँ पे क्या होगा, ये जो pi bond होगा वो यहाँ पे delocalize हो जाएगा, और ये extra lone pair है वो यहाँ पे चला जाएगा. Sorry, extra odd electron है, lone pair नहीं है, odd electron है, वो यहाँ पे चला जाएगा. जो हमें non bonding सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे, नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि वो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहा, बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता. ठीक है, so we can get the resonating structure CH2 single bond CH double bond CH2 and one non bonding electron, odd electron. Further, this pi bond is delocalized toward this free radical and forms structure 1. So structure 1 and structure 2 both are resonating structures of each other. Last wala, if negative charge is present in the species and double bond is also present and both are in conjugation, then it can also show the resonance effect. क्योंकि जैसे यहाँ पे lone pair है, वैसे यहाँ पे electron, extra electron यहाँ पे भी है, मगर negative charge है यहाँ पे.
So due to the presence of negative charge, extra electron pairs are present on the carbon, and extra electron density is available on carbon, and this carbon is sp2 hybrid. So due to the negative charge, this electron pair will delocalize toward adjacent carbon and form pi bond. And due to formation of pi bond, this pi bond will delocalize on this carbon, adjacent carbon, and here form negative charge. So you get the final resonating structure is CH2 minus single bond CH double bond CH2. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. सो बोथ दिस इज द एलाइलिक एनायन, एलाइलिक एनायन. ठीक है, वापस क्या होगा, रेजोनेंस वापस हो जाएगा, इंटरकन्वर्टिबल है, तो ये स्ट्रक्चर एक और स्ट्रक्चर दो दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन दिखाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, the molecule which can show the resonance effect if which possess the conjugation system, conjugated system, and that conjugation is present between double bonds or between positive charge and double bond, or the conjugation is present between a lone pair of electron and double bond, if the conjugation is between odd electron and double bond and negative charge and double bond. ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन और होगा, कहीं पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको कई एग्जांपल्स, कई क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे कि देखिए जहां पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको दिया गया, सपोज चुन लो ये वाला कंजुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड्स, ब्यूटाडाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ये दोनों आपको ड्रॉ करके दिए गए हुए और पूछा गया है कि विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आपको कैसे पता चलेगा. अगर आपको दूसरा एग्जांपल देते, चलो यहां पे ये एग्जांपल दिया गया हो, ठीक है, विनाइलेमाइन और एमिनो इथीन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पहला वाला, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दूसरा वाला, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा सबसे कम स्टेबल होगा. इट मींस हाउ कैन वी डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेडी, तो ये अभी मैं नहीं बताऊंगा. अगर आपको ये जानना है कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फंडा है, उसकी ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा अगले लेक्चर में. उसका मतलब ये जो स्टेबिलिटी वाला वो जब फंडामेंटल है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अभी हम क्या देखने वाले, अभी हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस. मेन आज का जो कॉन्सेप्ट था वो यही है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस. So dear students, now our next point is types of resonating effects. Actually, there are two types of resonating effects, positive resonating effects and negative resonating effects. So let's we discuss about the positive resonance effect or positive mesomeric effect or electron donor resonating effect or electron donor resonating effects. First of all, what is electron donor resonating effect? So let's we discuss about this example by using this example. You can see here we have here OH functional group, hydroxy functional group. In this hydroxy functional group, oxygen has two lone pair of electron. It means extra electron density is present on oxygen due to presence of lone pair. They are free in nature. ये इलेक्ट्रॉन पेयर ने कहां पे भी बॉन्ड नहीं बनाया, सो हम इसे बोल सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. वी कैन आल्सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. सो दिस कार्बन्स, बोथ ऑफ दिस कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड अनसैचुरेटेड कार्बन, sp2 हाइब्रिड अनसैचुरेटेड कार्बन्स. नाउ दिस sp2 हाइब्रिड अनसैचुरेटेड कार्बन्स आर एक्ट एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज. अभी हमने आगे ही बात कर ली कि अगर डबल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मींस लोन पेयर, दोनों कॉन्जुगेशन में अगर प्रेजेंट है तो वो रेजोनेंस दिखाएंगे जरूर. ठीक है,
So you can see here in this example, double bond and lone pair both are present in a conjugation, so it can show the resonance effect. So now this carbon act as a electronegative carbon, and here on oxygen extra electron pair is present, so this oxygen act as a electron donor group. Electron donor group, EDG, electron donor group. And which donate electron pair toward unsaturated carbon and having positive charge. You get the positive charge and form pi bond between this carbon and oxygen. But due to forming of pi bond, this carbon will get the negative charge and will get extra valency due to formation of pi bond. अब ये कार्बन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ओर ये पाई बॉन्ड को धक्का लगा देगा, ठीक है, और ये कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. सो ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ OH, पाई बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन C एंड O, एंड दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज ऑन द एडजेसेंट कार्बन एंड इट विल गेट नेगेटिव चार्ज. सो विल गेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेसिफिक स्पीसीज CH2 सिंगल बॉन्ड. यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड OH. यहां पर हमारा OH था, ठीक है. अभी ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दिस OH विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज द रेजोनेंस इफेक्ट एंड दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. बट यू कैन सी हियर OH फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर. ये OH क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है. So in this resonance, this OH functional group which act as the electron donor, ready? So the resonance effect which is generated due to the electron donor functional group is known as electron donor resonating effect or positive resonating effect or positive mesomeric effect, right? So this functional group act as a plus R or plus M functional group, plus R or plus M functional group, because it can show the positive resonance effect. And on this functional group, after the donation of lone pair, positive charge will form, ready? So this functional group act as a electron donor functional group. जितने भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से रेजोनेंस इफेक्ट डेवलप हो रही है, कैसे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके, वो सब फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव आर और पॉजिटिव एम फंक्शनल ग्रुप ही कहलाएंगे, ठीक है. सो व्हाट इज द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. सो यू कैन सी अ फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप, द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप बियर्स नेगेटिव चार्ज और lone pair of electron. You can see here bears negative charge or lone pair of electron, always show plus R or plus M effect. So this functional group always show electron donor resonating effect. Remember this thing, electron donor resonating effect due to the donation of lone pair. Due to the electron pair of negative charge or negative charge, due to electron pair or negative charge, that functional groups become electron donor group. Due to extra electron pair or negative charge, that functional group act as electron donor group. And they increase electron density of benzene ring or another unsaturated species which are connected with them. It means ये वाले जितने भी electron donor functional group है, ये electron donor functional group always electron density increase करेंगे. कहाँ पे? जो अनसेचुरेटेड सिस्टम ये फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, दस अनसेचुरेटेड सिस्टम्स विच आर कनेक्टेड विद दिस इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप. तो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, ये OH है वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनर फंक्शनल ग्रुप है. वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा यहां पर अनसेचुरेटेड सिस्टम में. तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे अनसेचुरेटेड सिस्टम के और अंदर की तरफ आएगा, तो
तो ये कार्बन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब आप देख सकते हो ये वाला जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. सो यू कैन सी हियर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज दैट फंक्शनल ग्रुप्स बिकम्स इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एंड दे इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ बेंजीन और अनदर अनसैचुरेटेड स्पीसीज व्हिच आर कनेक्टेड विद देम. बेंजीन भी लिखा हुआ है तो हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एग्जांपल भी देखना होगा बेंजीन का, क्योंकि कई बच्चों का ये भी पूछना है कि सर सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं. नहीं, बहुत सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं. अभी मैं बेंजीन का एग्जांपल लेता हूं तो आपके सामने वो एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगा कि एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर रेजोनेंस इफेक्ट. वी हैव द बेंजीन रिंग विच इज एक्ट एज ए अनसेचुरेटेड सिस्टम and which is connected with electron donor functional group like NH2, because on NH2 amino functional group one extra electron pair is present. ठीक है, so you can see this NH2 functional group act as a electron donor because it has extra lone pair of electron, extra electron density is present on nitrogen. Now this benzene has a sp2 hybridized carbon. All of these carbons are sp2 hybrids, so they are electron gainer. It means electron negative carbons. So due to electro deficiency on the carbon of benzene, this benzene ring will attract the electron pair from the NH2, and this NH2 functional group has extra electron pair, so it will become electron donor. So ये पाई बोन नीचे की ओर चला जाएगा. अब यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बोन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, मैं बीच वाला स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ कर देता हूं एक बार, NH2. ठीक है, यहां पे डबल बोन ऑलरेडी था, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सो नाउ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बोन आफ्टर the donation of electron pair toward benzene ring by the electron donor functional group EDG, electron donor group, the positive charge will form on nitrogen and negative charge will form on this carbon, because here five bonds are present, and due to formation of this pi bond negative charge is present on forming on this carbon. So ye carbon kya karega, ye to already sp2 hi hai, ye carbon bhi, तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पे निकाल देगा और ये कार्बन पे डाल देगा, डीलोकलाइज कर देगा. ठीक है, सो यू कैन सी हियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज ऑन द एडजेसेंट कार्बन एंड दिस कार्बन गेन नेगेटिव चार्ज एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर. रेडी, सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन दिस कार्बन. सो यू कैन सी हियर another resonating structure is, यहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके आपकी ग्रीप आ जाएगी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में. ठीक है, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज. दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज ऑन ऑर्थो पोजिशन, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन. ये आप बेंजीन की इस पोजीशन को हम ऑर्थो बोल सकते हो, ये पोजीशन को भी हम ऑर्थो ही बोलेंगे, और ये पोजीशन को बोला जाता है पैरा पोजीशन, और ये वाला हो जाएगा हमारा मेटा पोजीशन. इसके बारे में हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मगर आपको भी ये याद रखना है कि बेंजीन में पहले जो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो, उसके बाद मेटा, और जो लास्ट वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो हमारा हो जाएगा पेरा. ये भी हो जाएगा मेटा, मेटा. ठीक है, पेरा मींस स्मॉल पी, मेटा स्मॉल एम, ऑर्थो मींस स्मॉल ओ. नाउ ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑर्थो कार्बन, दिस ऑर्थो कार्बन एक्ट एज ए नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, एंड this is the resonating structure, second resonating structure of this amino benzene. This is amino benzene, or it is also known as aniline. You can see the negative charge is present form on the carbon of benzene ring, so electron density increase in this benzene ring, kyunki ye pehle negative charge nahi tha magar abhi kya ho gaya, negative charge aa gaya. Ready, so due to the electron donor functional group after the donation of electron pair toward benzene ring or unsaturated system which are connected with this functional group, electron density increase.
अभी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कार्बन हो जाएगा अनस्टेबल। तो ये कार्बन क्या करेगा, वापिस ये नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए अगल बगल के कार्बन में देखेगा कि किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर जो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहां पे वो पाई बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, यहां पे ये कार्बन PSP2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड दिस पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज ऑन ऑर्थ पैरा पोजिशन। यहां पे वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डीलोकलाइज हो जाएगा, और हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड NH2+। यहां पे नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, यर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन पैरा पोजिशन इट विल गेट नेगेटिव चार्ज। यहां पे एक बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, सो दिस इज द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। अभी क्या हो जाएगा, ये पैरा कार्बन, पैरा पोजिशन वाला कार्बन है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, दिस कार्बन विल बिकम ऑल्सो अनस्टेबल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन पैरा कार्बन। सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज टुवर्ड द एडजेसेंट कार्बन एंड फॉर्म न्यू पाई बॉन्ड बिटवीन दिस टू कार्बन, एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज ऑन ऑर्थो पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन वापिस आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा NH2+ था ही, यहाँ पे हो गया नया डबल बॉन्ड, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड हियर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो पोजिशन। सो यू कैन सी इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप नेगेटिव चार्ज इज फॉर्म ऑन ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन ऑन अनदर ऑर्थो पोजिशन। सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड इन दिस बेंजीन रिंग। अभी यहां पर यह रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्बन क्या करेगा, वापिस ये कार्बन को बोलेगा, यार तूने सबसे पहले पाई बॉन्ड को हमारे ऑर्थो पोजीशन पे दे दिया था, नेगेटिव चार्ज आ गया, अभी ये नेगेटिव चार्ज घूम फिर के यहां पे आ गया है, अभी क्या करेगा तू, वापिस अपना नेगेटिव चार्ज ले ले, बस हमारा पाई बॉन्ड दे दे। तो ये क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल डीलोकलाइज टुवर्ड एडजेसेंट कार्बन एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, and this pi bond further shifting on nitrogen of NH2 group because of the positive charge on it, and we'll get the final resonating structure, and that is NH2. This is the fourth structure, and this one is the fifth structure. So structure 1 and 2, structure 2 and 3, 3 and 4 and 4 and 5, all of these are interconvertible. ये पहला वाला structure दूसरे में, दूसरा तीसरे, तीसरे में तीसरा वाला, चौथे में, चौथा वाला पांचवे में, वापिस पांचवा वाला, ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाएगी। ये अभी क्या होगा, वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आ जाएगा, ये वाला ये ऑर्थो पोजीशन पे डीलोकलाइज होगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, वापस से ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा, ये पाई बॉन्ड पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा, मतलब पांचवे से चार तीन दो एक, एक दो तीन चार पांच, पांच चार तीन दो एक, वापिस ये डीलोकलाइजेशन कंटिन्यूस ये प्रोसेस हो जाएगा। इट मीन्स दिस आर द फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस एमिनोबेंजीन। यहां पे अलग अलग पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखे गए, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इंटरमीडिएट दिस थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4, वी कैन ड्रॉ हियर इंटरमीडिएट थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैं यहां पे तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक साथ में दिखा देता हूं आपको। Here negative charge is delocalized on the ortho and para position. It means each and every carbon. And here negativity is present on ortho and para position. Two ortho and one para. So you can see, due to the electron donor effect of the functional group, electron density is increased in benzene ring. Or electron density is increased in unsaturated system due to the effect of positive resonance effect.
तो अभी आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर फंक्शनल ग्रुप अनसेचुरेटेड सिस्टम की ओर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, तो ये आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं मैंने। अभी ये मैंने सभी एग्जांपल्स आपको ऐसे लिख दिए कि ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर एक्ट एज ए पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट्स, पॉजिटिव रेजोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इट मींस दे कैन शो द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, दे आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस इज द ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इफेक्ट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा हमारा ओ माइनस, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, देन आफ्टर प्राइमरी एमाइन बिकॉज इट हैज वन लोन पेयर, देन आफ्टर सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, OH फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल ग्रुप, एनिलाइड फंक्शनल ग्रुप, एसिटॉक्सी फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड हेलोजन फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। So दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस रेजोनेंस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनर रेजोनेंस इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, आगे देखा था कि अगर डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर दोनों कंजुगेशन में है, ठीक है, तो वो उसके वजह से जो रेजोनेंस होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव आर इफेक्ट। ठीक है, सो नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द नेगेटिव आर इफेक्ट। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेनर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, which is also called negative resonance effect or negative mesomeric effect. In this phenomena, the functional group, which are act as a electron withdrawing group, it means they are act as electron deficient. And if they are connected with the unsaturated system, then they will get the pi electrons from the unsaturated system. They will attract the pi electrons from the unsaturated system or benzene ring due to the electron deficiency. And they will form the partial positivity or decrease the electron density on the unsaturated system. So let's we discuss about that type of specific mechanism. Suppose we have this CN functional group. In this functional group, you can see the central carbon. This is our central carbon of this functional group. Central atom of this functional group is connected with the hetero atom, and that is more electronegative than carbon. This atom or central atom of functional group is connected with the another hetero atom with triple bond. And you can see here, this nitrogen acts as a partial negative species due to the inductive effect, more electronegativity of carbon, and this carbon having partial positive charge, it means this central carbon having triple bond with another hetero atom and which experiencing electron deficiency due to the less electronegativity of this carbon than nitrogen, and this carbon has partial positivity. So this carbon is sp hybrid carbon and more electronegative. And now, this carbon is connected with the unsaturated vinyl functional group. And this vinyl functional group has an extra electron pair. It means pi bond, extra pi bond, which can break easily. And here, electron deficiency of this carbon is more than that of this hydrocarbon part. So now what will happen? This carbon will attract the pi bonds from the adjacent carbon and form the positive charge on this carbon. अभी ये carbon यहाँ से pi bond को खींच लेगा और यहाँ पे positive charge develop कर देगा, तो क्या होगा हम देखते हैं, बीच वाला structure CH2 positive charge, single bond CH, double bond C, triple bond C, sorry C triple bond end, यहाँ पे due to the donation of pi electron this carbon will get the negative charge. And now due to the negative charge, this nitrogen is more electronegative, it has partial negativity, and due to higher electronegativity this pi bond will delocalize on nitrogen. So we can directly delocalize this pi bond on the nitrogen, and we can draw the another resonating structure like CH2 positive charge, single bond CH, double bond C, double bond, and here minus charge. So you can see here, due to the effect of this CN functional group, due to the effect of this CN functional group, which is act as an electron withdrawing group,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट मीन्स EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. दे विड्रॉ द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड फॉर्म्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन. सो डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस अनसेचुरेटेड स्पीसीज. Right, so this type of specific functional group can show the negative resonance effect, and this phenomena is known as negative resonance or negative mesomeric effect. Right, there are so many functional groups in which the central atom is connected with the hetero atom by double bond or triple bond, then they can show this type of specific negative resonance effect because they are experiencing electron deficiency. Let's we see the another example with benzene ring. So you can see here, this is the benzene ring, and here electron deficient functional group N double bond O and O coordination bond O. Here these two hetero species, hetero atoms, which are more electronegative than nitrogen. This is the nitrogen, is our central atom of this functional group. And this nitrogen is connected with the double bond with the hetero species, and this hetero species has more electronegativity, and oxygen having a partial negative charge and carbon has a partial positive charge. So you can see this nitrogen is also sp2 hybrid and more electronegative than this carbon, because these carbons are also sp2 hybrid of this benzene ring, but this nitrogen has more electronegativity than carbon. Why? Because these carbons are connected with another carbon, but here this nitrogen is connected with oxygen. So due to the electron attractive effect of this oxygen, nitrogen has more electron deficiency. And due to the electron deficiency, this nitrogen withdraw the pi bond from the benzene ring or unsaturated system. So due to the withdrawing this pi bond, here nitrogen will form double bond. And due to the withdrawal of pi bond, this carbon will experience positive charge. अबे जैसे यहाँ पे double bond आ जाएगा, तो nitrogen के पास extra pi bond तो आ गया, तो ये क्या कर देगा? ये वाला pi bond oxygen को दे देगा, चल ले ले अपना pi bond. So we will get the second resonating structure, and that is यहाँ से एक pi bond चला गया, यहाँ पे आ जाएगा positive charge, ठीक है? Here two double bonds are present. Already one single bond is present between nitrogen, and another new pi bond is formed between nitrogen and carbon. And your coordination bond O in oxygen get minus charge. So यहाँ पे pi bond आ जाने की वजह से oxygen पे negative charge आ जाएगा, यहाँ पे carbon पे positive charge आ गया, electrically neutral हो गया, ठीक है? So now you can see, due to the electron withdrawing effect. Due to the electron withdrawing effect, because this nitrogen is nitro NO2 group, nitro group act as a electron withdrawing group, and due to electron withdrawing effect, positive charge is generated on the carbon of benzene ring. So you can see electron density is decreased in benzene ring due to electron withdrawing group. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या हो रहा था? ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड लाइक दैट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड. अभी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, अरे यार आपके, आप अगर इलेक्ट्रॉन डोनर को किसी के साथ कनेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा. और अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को किसी के साथ कनेक्ट करते हो, तो भैया वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके निकाल देगा, और वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी. तो यहां पे हो गई. अभी वापस क्या करे, क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट तो आगे कंटिन्यूस चला जाएगा. अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये दूसरे वाले कार्बन को बोलेगा, अरे यार तूने क्या किया, मेरा पाई बॉन्ड खींच दिया, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. तो वो कार्बन क्या बोलेगा? डोंट वरी, मैं भी तेरा पॉजिटिव चार्ज लेना नहीं चाह रहा था, मगर ये NO2 वाले नाइट्रोजन ने मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया, तो मैंने तेरा पाई बॉन्ड उसको दे दिया. अभी ये पाई बॉन्ड क्या, ये कार्बन क्या करेगा? अभी वो देखेगा आजू बाजू में कि किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या, तो वो खींच लेगा. सो यू कैन सी हियर, हियर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड हियर पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट. वापिस याद करो रेजोनेंस में, मैंने कंजुगेशन के बारे में क्या बताया था? एक कंजुगेशन होना चाहिए डबल बॉन्ड्स के बीच में, या तो फिर कंजुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, है ना? पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, सो इट कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट. एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन
and form here pi bond between these two carbon, and new positive charge will form on the para position. So our next resonating structure is a new pi bond. यहाँ पे नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, हियर पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म एंड हियर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड एन ओ माइनस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ओ, वापिस क्या होगा, ये पाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन द पैरा पोजिशन विच विल attract this pi electron toward itself and form new pi bond, and positive charge will form on the para position, sorry ortho position. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो वापिस हम दूसरा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते. यहाँ पे एक ऑलरेडी डबल बॉन्ड बन चुका था, यहाँ पे नया आ गया. ठीक है, नाउ यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे डबल बॉन्ड एन ओ माइनस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ओ. अभी क्या होगा, वापिस यहां पे वापिस पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये बोलेगा कि देखो, ये कार्बन से बात करेगा कि तूने जहां से शुरू किया था ये पाई बॉन्ड खींच के और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट कर दी थी बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे, वो पॉजिटिव चार्ज घूम फिर के यहां पे आ गए, तो ये वापिस क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड अपनी ओर खींच लेगा और वापिस ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, और हमारा नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर 5. There are three another pi bonds are present generated between six carbons and n double bond O coordination bond O. This is our another nitrobenzene. So structure number 1, 2, 3, 4 and 5. देखिए बच्चों, आप पहले और पांचवें स्ट्रक्चर में एक बार नजर डाल के देख लो. ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर आपको पांचवा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, मगर उसमें बेंजीन रिंग की लोकेशन, सॉरी पाई बॉन्ड का लोकेशन देख लो एक बार. यू कैन सी हियर द लोकेशन ऑफ द पाई बॉन्ड इज चेंजिंग इन फर्स्ट एंड फिफ्थ. यहां पे जो सिंगल बॉन्ड था वहां पे डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे जो डबल था वो सिंगल हो गया, एंड ऑल ऑफ दिस फाइव स्ट्रक्चर्स आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, एंड वी कैन ड्रॉ द इंटरमीडिएट दिस थ्री स्ट्रक्चर्स बाय दिस वे. आप ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से बीच वाले तीन, दूसरा तीसरा और चौथा, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, एन ओ माइनस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ओ, और यहां पे हमारे आ गए तीनों पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज. सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी और decrease the electron density in benzene ring or unsaturated system. Ready? So this type of functional group which can show the negative R effect or negative M effect, and this type of resonance is known as negative resonance effect or electron withdrawing resonance effect, right? So let's we see the definition. A group that contain double or triple bonds between heteroatoms like NO2, CN, CHO, CO, COOH, COOR, anhydride, etc., which are electrodeficient and electron gainer, they are also act as electron gainer, and they can show minus R or minus M effect. You can see, due to the electro deficiency of this type of functional group, that functional groups become electron withdrawing group, EWG, and that decreased electron density, decrease electron density of benzene or another unsaturated species which are connected with them. So you can see some electro deficient functional groups are here. We are arranging in the decreasing order of this minus R effect. पर ये सभी हिट्रो
स्पीसीज के साथ, ये सभी नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर जो सेंट्रल एटम है वो सब हीट्रो एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, NO2 वाला आपने देख लिया, SO3 में ऐसा हो जाता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ये कार्बन, ये सल्फर जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन के साथ हीट्रो एटम के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये SO3H भी हो जाएगा इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। सो ऑल ऑफ दिस आर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीसीज, दे आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन withdrawing group, they show minus R effect. More effective is NO2, which can show the maximum electron withdrawing effect. Then after cyanide, SO3H, aldehyde, ketone, anhydride, then after ester, carboxylic acid, amide, next one, another one, CCl3, trichlorocarbon, all of these type of functional groups are act as a minus R functional group, they can show the minus R effect. बच्चों ये सब functional groups को आपको याद रखने होंगे, ठीक है, ये सभी के सभी कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन डोनर है, किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी ज़्यादा है, वो सभी ऑर्डर को मैंने अरेंज कर दिया आपकी टेक्स्ट बुक में, ऐसा कुछ नहीं दिया गया हुआ, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया, सब फंक्शनल ग्रुप भी नहीं लिखे हुए, बहुत कुछ कम लिखे हुए, ये सब नहीं लिखे, ठीक है, मगर आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन, ये तो हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, पर एक क्वेश्चन होगा, अगर आपको शायद याद आ जाए, OH फंक्शनल ग्रुप था जो हमारा हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा था इलेक्ट्रॉन डोनर रेजोनेटिंग इफेक्ट वाला, ठीक है, OH पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ईथर OR वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर था, हमने अभी देख लिया, आप वापस देख सकते हो रिवाइज करके। हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनर था, ठीक है, दे कैन शो द इलेक्ट्रॉन डोनर रेजोनेंस इफेक्ट। बट नाउ याद करो आप इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में वही हेलोजन, वही OH फंक्शनल ग्रुप, वही इथर फंक्शनल ग्रुप, वो सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट वाले थे, मतलब वो सब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, इट मींस दे आर एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन गेनर इन इन फॉर्म ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जब वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा, अगर वो रेजोनेंस दिखाते हैं तो वो बन जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनर। अभी कभी वो इलेक्ट्रॉन गेनर हो गए, कभी वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी टिप देने जा रहा हूं कि जिसकी वजह से कई बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, और उसका मेन रीजन है कि कभी ऐसे फंक्शनल ग्रुप लाइक NH2, OH, OR, ether एंड हेलोजन, ये चार फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं कि जब आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हो तो वहां पे ऐसा बोला जाएगा कि ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेनर है, वो दिखाएंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपने दिमाग में ये वो फिट कर दिया, बिठा दिया कि चलो अभी ये फंक्शनल ग्रुप जब भी हम देखेंगे हम ऐसा ही सोचेंगे कि ये सब इलेक्ट्रॉन गेनर है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ऑलवेज, ठीक है। अभी आपने मन बना लिया है कि ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलोजन, ईथर, OH, NH2 वो सब इलेक्ट्रॉन गेनर है, मगर जब आप रेजोनेंस पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ते हो, और जब आप टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनर रेजोनेटिंग इफेक्ट्स, इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हो, तभी वो सब फंक्शनल ग्रुप जिसको आपके दिमाग में नेगेटिव आई इफेक्ट बिठा रखा था, मतलब NH2, एमिनो फंक्शनल ग्रुप, OH और ईथर और हेलोजन, जो आपके दिमाग में ऐसा था कि ये सब फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेनर है, तभी रेजोनेंस में ऐसा बताया जाएगा कि ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है। ऑल ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस इफेक्ट, व्हाइल ऑल ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन गेनर in inductive effect. That is the main confusion. When they are act as electron donor, it means when they are show the minus R effect and when they are show the plus R effect. कभी वो electron donor बन जाते हैं, कभी वो electron gainer बन जाते हैं, ये सब फंडा देख के हमारा ये concept ही चला जाएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अभी वो इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया वो माइनस आई दिखा रहा है, अभी वो इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया वो प्लस आर दिखा रहा है, या तो अभी वो इलेक्ट्रॉन गेनर बन जाएगा वो माइनस आई दिखा रहा है, कैसे पता चलेगा? तो मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ बच्चों, याद रख लो,
When these functional groups are connected with the saturated system, when these functional groups are connected with saturated system, saturated system, it means which have the sp3 hybridized carbons, right? When these functional groups are connected with the saturated system, then they will act as minus I effective group. It means electron gainer inductive group. For example, when they are connected, these functional groups are connected with saturated system. जब ये सब फंक्शनल ग्रुप सैचुरेटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे तब वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे. जैसे कि वी हैव CH3CH2 इथाइल फंक्शनल ग्रुप, दे आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड विद दिस फंक्शनल ग्रुप लाइक वी हैव हेलोजन, Cl इज कनेक्टेड, सो दिस Cl हैज ए मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, देन इट विल शो द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, इसके पास तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये सैचुरेटेड है. अब ये सैचुरेटेड है तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, वो इजीली दे देगा. सो दिस क्लोरीन विल फॉर्म पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन एक्सपीरियंसिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस क्लोरीन शो द माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जांपल और एक देख लेते हैं. चलो सपोज आई हैव CH3CCH3CH and OH. Ready? So there are two lone pairs of electrons are present on oxygen, but this alkyl functional group is saturated. And due to saturated functional group, they are act as a electron donor. sp3 hybridized carbons are present, and they show the positive I effect. And due to the positive inductive effect, they donate electron pair toward hydrogen side and oxygen side, and oxygen has a more electronegative than carbon. So this OH functional group will get the partial negative charge, and it will act as a minus I group. So this functional group will act as a electron gainer when they are connected with saturated system. मतलब मैं ऐसा बता सकता हूँ कि ये सब डोनर भी है और ये सब गेनर भी है. वो डिपेंड करता है वो किसके साथ कनेक्टेड है. अगर वो ऐसे स्पीसीज के साथ कनेक्टेड है जो अनसेचुरेटेड है, उन लोगों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये सब डोनर बन जाएंगे. ले जाओ, तुम्हें जरूरत है ले जाओ. मगर ये सब मोलेक्यूल कोई ऐसे स्पीसीज के साथ कनेक्टेड है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, उल्टा वो सब देने वाले हैं, तो ये सब क्या करेंगे, ले लेंगे. लाओ भाई, तुम्हें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, लाओ मेरे पास दे दो. तो जब ये मोलेक्यूल फंक्शनल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ, या तो वो बोल सकते हैं सैचुरेटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सब इलेक्ट्रॉन गेनर बन जाएंगे, एंड दे विल शो द माइनस आई इफेक्ट. बट इफ दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर कनेक्टेड विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम्स लाइक डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड और बेंजीन रिंग, देन दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर फंक्शनल ग्रुप. इट मीन्स व्हेन दे आर connected with unsaturated system, then they are acted as electron donor functional group like CH2 double bond CHOH. In this compound OH, two lone pair of electrons are present on oxygen, and here sp2 carbon is present, which is unsaturated. So this electron pair will delocalize toward the carbon side, and it will act as a electron donor group or plus R group, and they show the resonance effect by the delocalization of lone pair and pi electron, and we get the final resonating structure CH2 minus single bond CH double bond OH plus. Ab ye resonance continuously chalu ho jayega, theek hai. So, अगर आप यहाँ पे OH की बजाय आप OR लिखते हो, यही फिनोमेना हो जाएगा, H के बदले R आ जाएगा. अगर आप यहाँ पे NH2 लिखते हो तो OH के बदले NH2 आ जाएगा, बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा. ये सब फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन दे आर कनेक्टेड विद द अनसैचुरेटेड सिस्टम, एंड ऑल ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन गेनर व्हेन दे आर कनेक्टेड विद सैचुरेटेड सिस्टम, राइट. तो चलो
आज का दिन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मगर अगले दिन हम क्या देखने वाले। देखो यहाँ पे आपको एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। अगर आपको पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सा वाला स्टेबल है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे कम स्टेबल है, और कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वील डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर्स एंड सम इम्पोर्टेंट हिंट्स टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। राइट, सो टिल दैट लेक्चर गुड बाय। Take care, Jai Shri Krishna.